सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। जय श्री राम सभी भाई लोगों को। मेरा नाम है अनमोल शर्मा और आप सभी लोगों को मेरे प्यारे से और ख़तरनाक सी वीडियो में स्वागत है। तो भाई आज का सीन होने वाला है तगड़ा। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने बीपुरम मार्केट से। ओह माय गॉड, तो आज का सीन होने वाला है एक तगड़ा सा। और मैं जा रहा हूँ भाई कोटेश्वर साइड 0 पॉइंट से होते हुए। जो लोग भाई टीरी साइड से, उन्हें पता होगा कि भाई 0 पॉइंट वाला रास्ता कौन सा है और कहाँ निकलता है। बाकी जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं भाई, 0 पॉइंट से होते हुए भाई हम लोग बहुत रास्ते निकल जाते हैं वैसे तो देखा जाए। लो ये पढ़ लो, आप लोग यहाँ पर वीडियो रोक के ये चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये हर जगह जान जाता है रास्ता। बाकी इस रास्ते की कंडीशन कहीं कहीं पर है थोड़ी ख़राब। तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। थोड़ा मतलब ये रूटीन तो आप लोगों ने देख ही रखे होंगे वीडियोस में, कई बार मैंने डाले भी है यहाँ की वीडियोस। आज आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, इसलिए भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देख लेना और जो जो चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज। तो चलो गाइज चलते हैं यहाँ से, अपने मित्र मिल गए थे। इनके साथ भाई मेरा पहले में इसी इन्हीं के साथ चलता था मतलब गाड़ी पे। तो अब फिलहाल चलते हैं यार यहाँ से आगे, और अपने को रास्ता भी ढंग से याद नहीं है और फिर रोड की कंडीशन कैसी होगी कैसी नहीं मुझे नहीं पता फिलहाल के लिए। आई बट मज़ा आने वाला है इस रोड पे। अब यहाँ से बचा है मात्र 8 किलोमीटर, वो भी कोटेश्वर, और उसके आगे जाना है हम लोगों को। और इन रोडों पे जो चलने में मज़ा आ रहा है ना, है एक नंबर भाई, गगनचुम्बी बिल्कुल। ये मज़ा है भाई। और सीन ये है कि भाई मेरे को यहाँ से जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे साथ कुछ और लोग भी थे, वो लोग पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब वो लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मैं जा रहा हूं भाई मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर। वो लोग तो पहुंच चुके हैं बट अभी तक हम टिहरी से बहुत लेट निकले, मतलब 1.5-2 घंटा लेट निकले उनके बाद। तो भाई कवर अप तो करना पड़ेगा ना मेरा भाई, देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा हमें वहां पहुंचने में। और भाई इससे पहले वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट करके बताना भाई कैसा आप लोगों को मज़ा आया था। मतलब रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिल पाया जितना मैंने सोचा था, बट चलो ठीक था भाई, जो है बढ़िया है। बीच बीच में ऐसे व्लॉग चाहिए आप लोगों को तो ये भी बता सकते हो, तुम्हारा भाई डालेगा भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं अपने को। भाई इतनी जगह न्यूट्रल आ गया ना, बट न्यूट्रल नहीं मारा अभी तुम्हारे भाई ने। स्टार्ट में चल रहे हैं बिल्कुल फुल पावर। देखते हैं माइलेज क्या देगी आज अपनी बाइक, फुल कराई थी भाई मैंने और ये 2-3 दिन से अपने पास थी ही नहीं, अपना एक दोस्त लेके जा रखा था इसे। आप लोगों ने स्प्लेंडर में ब्लॉग देखा होगा ना, वो इसी दोस्त की थी मेरे। भाई मैं इस कच्चे रास्ते में आ गया हूँ यार, भाई अगर ऐसे जगह पे किसी का टायर हो जाए पंचर तो उसके हालात तो बेकार हो जाएंगे गाइस। सो फाइनली गाइस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये भी अपनी तीनों की तीनों बाइक, इसका पता ही है आप लोगों को और ये भी अपनी ही है। चलो भाई इसे करते हैं बंद और यहाँ से है पैदल ट्रैक 5 किलोमीटर समथिंग। हाँ भाई उतना ही है और यहाँ नीचे जाना है हमें यहाँ, तो लेट्स गो करते हैं भाई, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितना है चलने के लिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों को बीच में, क्योंकि ऐसा रास्ता रहने वाला है थोड़ी देर तक, बताएंगे बीच बीच में भाई सीन आपको। इस मंदिर में पहुँचते ही हनुमान जी के दर्शन हो गए भाई, देख लो जय श्री राम। ये भाई प्यारा सा मंदिर, अभी चेक कराते हैं अभी थोड़ा सा
सांस ले ले यार, अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं। अरे हनुमान जी क्या मजे से केले खा रहे हो भाई, बढ़िया है बढ़िया, मतलब थकान भी दूर, ये लगा लो। चलो मिलते हैं। राइट पहुंच चुके हैं भाई हम लोग, अब थोड़ा बहुत स्नान भी कर ही लिया है भाई। ये लोकेशन देखो भाई, मतलब एक नंबर जगह है भाई, ये सारे के सारे। गर्मी इस कदर की हो रही थी कि थोड़ा बहुत नहाना पड़ा, और पानी के अंदर का नज़ारा भी आप लोग चेक करो एक बार। भाई नज़ारा चेक करा होगा भाई, पानी के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है, पर इसी भाई बिल्कुल यहाँ पर भी मगरमच्छ बन रखा है अपना जल पर आई। चलो भाई थोड़ा बहुत और नहाते हैं, फिर करते हैं मंदिर के दर्शन, और आप लोगों को भी कराते हैं भाई, इसलिए पहले जब यहाँ पर आओगे पहले स्नान करना, उसके बाद ही जाना। चलो भाई चलते हैं, दर्शन मतलब स्नान हमने कर लिया, जल हम लोगों ने भर लिया भाई, और जो ये टाइल्स है नीचे हो रही है के अंदर का सीन नहीं दिखाना चाहिए, तो भाई दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, और ये चेक करो भाई ऐसा कुछ अपना प्यारा सा मंदिर, काफी प्यारा भाई एक नंबर। ये अपनी प्यारी सी भांजी आ रही है, देखो टुकुर 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 बाय भाई, वाई भी अलग है, वाई भी अलग है भाई एक नंबर। यहाँ पर अपने हनुमान जी, जय श्री राम। चलो कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, वो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिलने वाली है, तो जल्दी जल्दी जाओ इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, 5000 करवा दो भाई जितना जल्दी हो सकता है, 5000 करवा दो, और एक अलग ही खुशी मिलेगी तब तुम्हारे भाई को। और अपने YouTube पे भी जल्दी जल्दी 3000 होने वाले, तो उसकी भी खुशी एक नेक्स्ट लेवल ही है भाई, है ना। अपनी मेहनत से कुछ करो तो भाई अलग ही फील रहता है। चलो कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, मिलते हैं भाई आपसे। तो भाई अब देख लो, अब थोड़ा धूप कम हो चुकी है, तो अब ज़्यादा काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब, और इतना बड़ा फील्ड टाइप का भी है यहाँ, तो चलते अब यहाँ से हम लोग भी ऊपर के लिए, और मिलते हैं भाई। अब काफ़ी ट्रैक चढ़ना है पैदल के लिए, हालत होने वाली है ख़राब वहाँ पर ऊपर चलते ही, तो चलते हैं भाई, मज़ा आ जाएगा ऊपर जाते जाते भाई, मतलब तेल निकलने वाला है अपना, समझ लो। देख लो भाई सारे के सारे, इतने लोग थे भाई हम, अपना पूरे फैमिली, पीछे से अपनी सिस्टर आ रही है, लड़कियों को चाहिए ही क्या भाई बातें बनाने के लिए, वो रुक गए देखो बातें बनाने। चलो भाई चलते हैं भाई। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ सामने एक मंदिर दिखा है भाई, अगर किसी को पता होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना किस भगवान का मंदिर है वो, और क्या सीन है वहाँ का, ठीक है। ये पता नहीं है, मैं आज से पहले कभी वहाँ गया भी नहीं हूँ, किसी को अगर पता होगा इस बारे में तो बता देना। तो चलो भाई चलते हैं भाई, वो गर्म इलाका और कच्चा ऑफ रोड रास्ता छोड़ के आ चुके हैं आगे के लिए। अब थोड़ा सा मतलब गर्मी से राहत मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ से पेलते हुए चलेंगे ना भाई बाइक को, ऐसे तो न्यूट्रल भी जा सकते हैं, न्यूट्रल ही मारते हैं यार, क्यों तेल फूकना अपना। चलो जी न्यूट्रल मार चुके हैं अपनी बाइक, बाकी अब चल रही है दो बाइक अपने आगे भाई फुल पावर, चेक करो भाई। एक है भाई विक्रांत, विक्रांत भी खतरनाक बाइक है भाई, और आगे अपनी चल रही है रॉनिन, इसका भी एक अलग ही मज़ा है भाई। और ये है भाई कोटेश्वर डैम, चेक करो, मतलब ऐसे ज़्यादा बड़ा डैम है नहीं ये, मुझे तो अपने टिहरी लेक का ज़्यादा बड़ा लगता है भाई, और टिहरी डैम ज़्यादा बड़ा है ना, मुझे बहुत छोटा है, है ना। यार एक तो रास्ता बहुत खतरनाक है, बम्पी बम्प बैंक, अरे ठीक है यहाँ तब कोई भगा नहीं सकता वैसे बाइक ना,
ये चेक करो भाई डैम। अभी पहुँचे हैं कुछ इस तरह के गांव में, क्या नाम होगा यहाँ का भाई, किसी को पता है तो बता सकते हो कमेंट करके। क्यारी, क्यारी हो सकता है भाई। रुकते हैं भाई, कहीं कोल्ड ड्रिंक ही ले लेते हैं केक। या से कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं केक, फिर चलते हैं। अभी 24 किलोमीटर जाना है भाई, वहाँ लिख रखा है 90-24 किलोमीटर। ऋषि ले, ऋषि एक बिस्कुट भी लेके आइयो, ले दोस्त, ले 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 ले, इधर इधर। जय क्या भयंकर लग रहा है भाई, बुरिया बुरिया, ले 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 ले। बिल्कुल नहीं चल रहा, करूँ से तब एक दो बार होगा यार। नेट खोलेगा तब ना भाई जी। तुम्हारा चलता है नेट, नेट चलता है, है? हॉटस्पॉट खोल दो थोड़ा, यहाँ नेट ही नहीं चल रहा। रुक जा रुक जा मेरे दोस्त, तेरा चल रहा है? जा जा जा, हाँ ले 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 जल्दी ले। अरे उसकी चोट लगी है वहाँ, ले पकौड़ा दानी है क्या? चलो भाई चलते हैं फिलहाल, चल बैठ। UK09 व्लॉग्स, इधर आओ इधर, बच्चों को भी दूर से ही पूछना रहता भाई। ये है यहाँ पर लिख रखा UK09 व्लॉग्स, ठीक है खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।